over. शुरू करें। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में आप लोगों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हैं, आप लोगों को संबोधित करेंगे। साथ में हमारे मीडिया विभाग के सह प्रमुख संजय मयूख जी हैं। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से आग्रह कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद अनिल भाई। नमस्कार मित्रों, देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं, चिंताजनक भी हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। और बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, और ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सब चीजों को देखते हैं। अब एक और नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बाहर ही बाहर है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना, ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। एक और राजस्थान है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत राज्य है, संस्कृति बहुत, और राजस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके कई कारण हैं। बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन 5 वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया? और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई, एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में, 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है, और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुड़ा जी ने राजस्थान के हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। और उन्होंने क्या कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा जी ने कि विधानसभा में मैं सीएम से 1-on-1 जवाब मांगूंगा, और बड़ी बात यह कही है, किसी और ने नहीं, जो 4.5 साल राजस्थान की सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा प्रदेश में सीएम का इकबाल खत्म हो गया है।
ये बहुत बड़ी बात है। एक जो आपका मंत्री 4.5 साल आपके साथ रहा, उन्होंने कहा राजस्थान में अराजकता का माहौल है। सीएम विधानसभा में आते हैं, ना आते हैं ना जवाब देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं। एक मंत्री तो ये हैं जिन्होंने हिम्मत करके महिला अपराध पर कोई बात कही, दूसरे मंत्री जिनको उन्होंने शह दे रखी है और संरक्षण दे रखा है सोनिया जी राहुल जी के आदेश पर, जिनको बचाने का काम किया है अशोक गहलोत जी ने, वो शांति धारीवाल जी क्या कहते हैं। जब महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई, अपराध की घटना हुई, तो उन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है, और पूरे कांग्रेसी ठहाका मार के हंसते हैं मंत्री और विधायक और मजाक उड़ाते हैं। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, इस पे कोई जवाब नहीं देगा क्या कांग्रेस पार्टी का? मल्लिका और खड़गे जी से मैं कहता हूं, और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं तो यूपी चुनाव में जब सह प्रभारी था तो प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, बस राजस्थान नहीं जा सकती हूं, बिहार पर मुंह में दही जमा सकती हूं और बंगाल पर होंठ सिल सकती हूं, लड़की हूं राजस्थान नहीं जा सकती हूं, और कोई महिला अपराध की आवाज उठाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहके उनका इस्तीफा करवा सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। शांति धारीवाल ये कहे मर्दों का प्रदेश है तो ठाके माके हंस लेना, बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ सकती हूं। अरे राजस्थान में आपराधिक घटनाएं महिलाओं पर कौन कौन सी हुई जरा एक बार सोचिए तो सही। मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर दूरी पर वैशाली नगर में एक बच्चे के सामने उसकी मां की इज्जत लूटी जाती है, उसको मरने पर मजबूर किया जाता है। करौली में युवती का अपहरण करके, गैंग रेप करके गोली मारी जाती है, एसिड गिराया जाता है, फिर कुएं में डुबा दिया जाता है। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण करके, गैंग रेप करके, एसिड डाल के उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद 8 टुकड़े करके फेंक दिया जाता है जंगल में। बीकानेर के खाजूवाला में 2 पुलिस वाले शामिल होते हैं बलात्कार में, लेकिन गिरफ्तारी पहले दिन नहीं होती, सीसीटीवी कैमरा में है तब भी उसके बावजूद। जोधपुर में जिसको भाई जैसा माना था, ऐसे 3 लोगों ने, दरिंदे कहूंगा मैं तो, जिन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया, और ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। अरे मुख्यमंत्री तो सोए हैं, लेकिन जो लड़की है लड़ सकती हूं वो कहां है? जो बॉर्डर से चले गई करौली के पास से, लेकिन वहां नहीं जाने का दम भर पाई, जहां करौली में दलित युवती के साथ गैंग रेप करके एसिड फेंक के उसको मार दिया जाता है। दलित हो, युवती हो, महिला हो, इनके खिलाफ राजस्थान नंबर 1 अपराध की दृष्टि से, महिला अपराध की दृष्टि से बना है। बंगाल भी पीछे नहीं है। बंगाल में चुनाव में बम और हत्या, बैलेट से ज्यादा बम की घटनाएं सुनने को मिली। हत्या के मामले, हत्या और हिंसा के मामले रास्ते, सत्ता हथियाने का काम किया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी जी, न जाने आपके दिल में ममता बची है कि नहीं बची है, यह सवाल खड़ा होता है। बंगाल के हावड़ा में इंसानियत शर्मसार हुई है, लेकिन सबके होंठ सिले हुए हैं जी। हावड़ा के 5 लाख इलाके में पंचायत चुनाव के मतदान के दिन 40 से ज्यादा टीएमसी के गुंडों ने महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया, प्रत्याशी को पीटा गया, बेइज्जती की गई। और यही नहीं, बंगाल के ही मालदा में एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं तो ऐसे वीडियो दिखाऊंगा भी नहीं, शेयर भी नहीं कर सकता,
लेकिन जहां पर दो महिलाओं को पीट पीट कर अर्धनंग किया जा रहा है और नंगा करके उनको जैसे घुमाया जा रहा है, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, कहां है ममता जी की ममता, कहां है सरकार, कहां कार्रवाई हो पा रही है? ये बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक, तृणमूल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी हैं। ये गठबंधन की बात करते हैं, उस गठबंधन के नेताओं के ऊपर देखिए, एक भी इस बात को लेकर अपनी बात नहीं कहता है। और कहां गए वो अवार्ड वापसी वाले लोग, कहां गए कैंडल मार्च वाले लोग, कहां गए फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले लोग? क्या बंगाल, बिहार, राजस्थान में महिलाओं के साथ होती घटनाओं पर वो मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे? और जो मर्दों वाला प्रदेश कहकर ठहाके मारते हैं उस पे, खड़गे जी, आप क्या पूरा गांधी परिवार भी मूक दर्शक बन के बैठा रहता है? सवाल खड़े होते हैं आपके सामने। और बिहार, बंगाल की यही नहीं, बहुत सारी घटनाएं थी। फरवरी 2020 में हल्दिया में मां बेटी के साथ सद्दाम हुसैन और मंजूर मलिक के नाम दरिंदों ने रेप करके उनको जलाकर मार दिया। पश्चिम मेदिनीपुरा में डेबरा में टीएमसी के गुंडों ने आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की। 15 जुलाई को 2020 में नदिया जिला के कृष्णानगर में युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। और अप्रैल 2018 में दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की पिटाई करके उनको भी निर्वस्त करके घुमाया गया। 3 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में कांग्रेस तृणमूल के ही एक नेता ने कथित गुंडों के साथ दो महिलाओं के हाथ पैर बांधकर जमीन पर घसीटा भी, अभद्र व्यवहार भी किया, हरकतें की। ये सब जनता के सामने है लेकिन शायद नेशनल मीडिया के परे है। उन लोगों की आवाज जो कभी बाकी मुद्दों को लेकर आते हैं, इन घटनाओं पर चुप रहते हैं। कितनी गिनाऊं, कितनी ऐसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं जिनकी आप बीती आपको सुनाऊं। मुझे तो कहते हुए भी कई बार शर्म आती है जिस तरह की घटनाएं इन राज्यों में घट रही है। लेकिन जो राज्य बंगाल कभी भारत के लिए ऐसे नेताओं के योगदान के लिए जाना जाता था, जिनका बहुत बड़ा योगदान आजादी से पहले, आजादी के बाद भी रहा, आज वो बंगाल शर्मसार हो रहा है ममता जी के राज में। अपराध, आतंक और महिला अपराध की घटनाओं को बहुत बल मिल रहा है और संरक्षण मिल रहा है। नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। सवाल ये कि अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान का जिक्र किया था अपने बयान में। अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान की भावनाएं आहत हुई और प्रधानमंत्री कर्नाटक जाते हैं, राजस्थान जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाते, ये सवाल खड़ा किया। मैं एक सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था राजस्थान की क्या मुख्यमंत्री राजस्थान की जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्या जब उनका अपना चहेता मंत्री कहता है महिला अपराध पर, अत्याचार पर, दुष्कर्म पर कि मर्दों का प्रदेश है, तो उसमें अशोक गहलोत शर्मसार होते कि नहीं होते हैं? जब उनका अपना मंत्री राजेंद्र गुड़ा सवाल खड़ा करता है कि मुख्यमंत्री ना विधानसभा आते हैं ना जवाब देते हैं, तो उस पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है? मेरा अशोक गहलोत जी से सवाल है कि जब उनके अपने मंत्री ने कहा कि सीएम का इकबाल खत्म हो गया, तो क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? जब उनके अपने जिले में, गृह जिले में हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है, और उनके अपने मुख्यमंत्री निवास जयपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली नगर में महिला के साथ दुष्कर्म करके उसको मरने पर मजबूर कर दिया जाता है, और एक घटना में एक पति के सामने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करके उसको मारने दिया जाता है, तो इस पे अशोक गहलोत शर्मसार होते कि नहीं होते? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सवाल
कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और गांधी परिवार के इन सभी नेताओं से है कि राजस्थान की जिम्मेदारी क्या भूल गए हैं? अरे जितने महीने सरकार है उतने महीने तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और प्रधानमंत्री जी ने सख्त शब्दों में कहा है, कोई भी हो कितने भी हो सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री चाहे बंगाल हो बिहार हो राजस्थान हो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। You rightly pointed out, but I would like to say here, can you differentiate between two women? For example, one incident happens in Rajasthan, one incident happened in Bengal or Bihar or Manipur. A crime against woman is a crime against woman. And the action must be taken as per law. And the law and order is the state subject. The state has to take the action. Why there is a delay and why there in a denial mode to take action? Why the shelter is being given to those people who are involved in the molestation or in a rape-like incidents or any crime against women? Who is giving shelter to them? That's a big thing. And my big question to all the opposition leader is, will they send a delegation of the opposition leaders to the states like Rajasthan, Bengal and Bihar? क्या विपक्ष के नेता एक डेलीगेशन राजस्थान, बंगाल और बिहार भेजेंगे वहां पर महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की घटनाओं पर देखने के? हमने यहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक महिला सांसदों का डेलीगेशन पश्चिम बंगाल भेजा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जी, जब वो हमारी महिला सांसद वापस आई, हमारी नेताएं वापस आई, कितनी घबराई हुई थी। और कहीं ना कहीं एक तरह से वो अपनी बातों को, अपने अनुभव को बयान करने से भी घबराहट नजर आती थी। तो अगर महिला नेता और सांसदों का बंगाल में जाकर वहां का फीडबैक लेने से इतना है, तो वहां की रहने वाली महिलाओं पर क्या बीती होगी, आप बीती क्या सुनाई होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने भय के वातावरण में पश्चिम बंगाल में महिलाएं जी रही हैं। और जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री हो जिसका नाम ममता हो, लेकिन ममता ना हो, ममता दीदी क्या बना दिया बंगाल को? देवेंद्र पड़ासर, इंडिया टीवी। जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से कहा महिला अपराध की घटनाओं पर हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मणिपुर की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस शासित 10 साल का भी मैं केवल समय लूं, 2004 से 14 का, तो उस समय तो मणिपुर में 6-6 महीने बंद रहता था जी। कांग्रेस के उस समय के गृहमंत्री कभी गए भी? हमारे यहां से तो माननीय गृहमंत्री जी गए भी, 4 दिन वहां बैठे भी, और वहां पर पीस हो, शांति हो, सब दिशा में कदम उठाए गए। हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, हम सही कदम भी उठा रहे हैं, और हम चर्चा भी सदन में करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
लेकिन मेरा सवाल यह है कि विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो विपक्ष को चर्चा शुरू करने से भयभीत कर रही है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो डर पैदा करती हैं विपक्ष में? देखिए, चर्चा क्या बहिष्कार करने से हल निकलेगा कि चर्चा करने से? चर्चा करें, हर विषय को उठाएं, क्यों नहीं दो दिन सदन चलने दिया? विपक्ष की क्या मजबूरी है? क्या किसी एक राजनीतिक दल का एक नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहा तो पिछला सदन भी नहीं चलने दिया और इस बार भी पूरा सेशन ना चलने देंगे? क्या यही सोच हो गई है? अनामिका रत्ना, ईटीवी भारत। मेरे पास देखिए अब कितने पेज हैं, 16 पन्नों में कम से कम 132 लाइनें ऐसी हैं जहां पर 33,000 ऐसे महिला दुष्कर्म की घटनाओं की सूची में राजस्थान की लेकर बैठा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जवाब दें, आपकी निकम्मी और निठल्ली सरकार में 4.5 सालों में राजस्थान नंबर 1 महिला अपराध में क्यों बना? आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? आपके मुख्यमंत्री निवास से 5 किलोमीटर दूरी पर कैसे एक महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसको जलने पर मजबूर कर दिया जाता है? आपके पुलिस के लोग रेप में इन्वॉल्व होते हैं और आप लोग गिरफ्तारी के लिए पहले दिन मना कर लेते हैं जबकि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है। टुकड़े 8 साल की बच्ची के 8-8 कर दिए जाते हैं, आपकी सरकार निठल्ली होकर बैठी रहती है। आपकी विधायक दिव्या मदरेणा जी, वो कहती मैं पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं। आपके मंत्री राजेंद्र जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का बाल खत्म हो चुका है, सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है। ये छोटी घटनाएं नहीं है जी, आप उसका दबाव जवाब दिए बिना आप दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। कुमार, महिला अपराध है किसी भी राज्य में हो, इसलिए हमने कहा कि कहीं पर भी हो। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सामने आके कहा है कि कड़ी कार्रवाई की गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये आप सभी चैनल्स ने दिखाया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच चल रही है, उचित कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। कोई भी दोषी होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, कितने भी होंगे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये बात राजस्थान, बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं आई है। कुमार गौरव, News 24। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, ये सब आपके सामने है और इस सब पे ही चर्चा बिहार में भी हो। अब बिहार में जब कोई चर्चा करता है, कोई आंदोलन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को भी लाठी मार मार के मार दिया जाता है। बिहार का जंगल राज रिटर्न्स ये हो चुका है और इसलिए मैंने कहा कि नारी अस्मिता बिहार में तार तार है, नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। और जहां तक बंगाल की आपने बात की, मैं इतना ही कहूंगा, ममता निर्ममता का प्रतीक है। यामीन, ANI। देखिए, यही आप सबके सामने एक चीजें आ रही हैं। अगर बंगाल में महिलाओं के कपड़े फाड़ के उनको घुमाया जाता है तो उसको कोई और रूप देने का प्रयास किया जाता है। बिहार में यही होता है तो उसको कोई और रूप देने का प्रयास किया जाता है। और अगर राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी जाती तो उसको भी छिपाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन किसी एक राज्य में और ऐसी घटना घटती है
तो उसको केंद्र बिंदु बनाकर क्या महिला महिला में भी अंतर निकालते हैं? तो मुझे दुख की बात यह है, शशि पंजा जी ने अगर ये कहा और ममता जी की सरकार में कहा जो एक महिला है और दूसरी महिला ने ऐसा बयान दिया, तो आप समझ लीजिए वहां पे महिला भयभीत क्यों है, वहां पे महिला अपराध क्यों है बंगाल में, वहां पे अपराध के बाद भी जुबान खोलने में डर क्यों होता है, क्योंकि मार दिया जाता है। और जो हमारी महिला सांसद गई, महिला बड़ी नेता गई, वो भी भयभीत होकर वापस आए, तो उसके पीछे कारण साफ दिखता है जी कि ऐसा बयान अगर वहां की बंगाल की नेता दे रही है तो साफ दिखता है तो इसको अपराध ही नहीं मान रही है। मिलन शर्मा, आज तक अंतिम प्रश्न है। मेरा जिसके पास जो जिम्मेदारी उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और महिला अपराध की घटनाएं बंद हों, समाज भी जागरूक हो और जिस महिला के खिलाफ अपराध हो जो इन्वॉल्व उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कम से कम समय में हो, ये हमारी मांग भी है और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, महिलाएं सुरक्षित हों, महिलाओं का सम्मान बढ़े और महिला अपराध की घटनाएं बंद हो देश में, इस दिशा में आगे बढ़े। हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वो राजस्थान के अशोक गहलोत जी अपनी जिम्मेदारी नहीं छुड़ा सकते, चाहे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी या सोनिया जी ने जो भी निर्देश दिए हों कि महिला के सम्मान में या महिलाओं के हित में अगर किसी मंत्री ने आवाज उठाई तो उसको बर्खास्त करने का ऑर्डर दे दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या कदम होगा जी। सुदेशना घोषाल, देखिए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, चुनी हुई सरकार की है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि चुनी हुई सरकार ही अगर संरक्षण देती है अपराधियों को, मुख्यमंत्री की नाक के तले अगर बहन बेटियों को कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं और बाहर से गए डेलीगेशन पे भी ना जाने दिया जाए, दबाव बनाया जाए या ऐसी घटनाओं को छिपाने का प्रयास किया जाए और इसको झूठी घटना बताने का भी एक प्रयास किया जाए, तो आप समझिए बंगाल की आज हालत क्या हो गई है। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते महिलाओं पर अपराध की घटनाएं बंगाल में बढ़ी, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अभिषेक दुबे, जी न्यूज। हो गया। मुझे लगता है जितना ये लोग बोल रहे हैं इनके उतने ही चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। महिला सम्मान को लेकर इनके मन में क्या है आप सबके सामने आ रहा है, केवल राजनीतिक करना चाहते हैं और जहां पर इनके पास जिम्मेदारियां हैं वहां पर ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इनके राज्य में ऐसा हो रहा है और अपने राज्य की रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय ये राजनीति करने में विश्वास करते हैं जो देश देख रहा है। अदिति ट्रिब्यून, अंतिम है, इसके बाद आग्रह न करिएगा। अनुराग जी,
पहली बात तो है अदिति जी, ये मुझे और आपको तय नहीं करना, हाउस के स्पीकर या चेयरमैन को तय करना है। दूसरी बात ये कि चर्चा किस पर, महिला अपराध पर करनी है। रूल कोई भी हो लेकिन अपराध पर चर्चा तो हो, महिला अपराध पर। जब उसके लिए सरकार तैयार है तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? रूल एक होगा, दूसरा होगा आपराधिक घटनाएं, चाहे राजस्थान में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, बंगाल में हुई, बिहार में हुई, मणिपुर में, कहीं पे भी हुई हो, सबको समान अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का। बात रखने से विपक्ष क्यों घबरा रहा है और भाग रहा है, सवाल ये खड़ा होता है। दो दिन क्यों व्यर्थ किए गए? पहले दिन ही चर्चा क्यों नहीं शुरू की गई? जब हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से ना वहां पे कदम उठाने से भाग रहे हैं, ना चर्चा से भाग रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। कम से कम महिला अपराध पर राजनीति बंद करें। और मेरा निवेदन है विपक्ष के नेताओं से, कृपया करके सोमवार को अगर सदन में आए तो अपने राज्यों में हो रहे महिला अपराध की घटनाओं की एक लंबी सूची जरूर लेकर आए, क्योंकि चर्चा तो आखिर महिला अपराध पर होगी तो सब पर होगी। और दूसरा मेरा यह कहना है कि जब भी उनको अवसर मिले तो वो राजस्थान, बंगाल और बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो महिला अपराध की घटनाएं, वहां पे जरूर एक टोली बनाकर जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।